सागन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार करदा हां, जिन्ना इस गरीब आत्मा ते बड़ी पारी दया कीती। कबीर साहब ने कहा, गुर गोबिंद दोने खड़ू किसके लगूं पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दिया मिलाए। मैं किदे ते बलिहार जाना है, मैं गुरु दे जाना है। सेवक अभ्यास करदा सी, गुरु भी आ गया, ओ परमात्मा जिन्हू गोबिंद भी कहने हैं ओ भी आ गया। सेवक मन ही मन फैसला करदा है कि मैं किदे चरणा ते मथा टेका, क्योंकि गोबिंद ओ परमात्मा मेरे अंदर हुंदिया होया मैं पता नहीं कितने जन्म पाए, किन्ने वारी मैं कीड़ा बन के धरती ते रिंगिया, किन्ने वारी पंछी बन के समान विच उड़िया, कितने वारी मौत दे फंदे विच आया, ये नहीं पता। कितने वारी ऐसी किसे दियां पत्नियां बनिया, या कितने दफा पति बने या बाप बने या बेटे बने, अगे नूं कोई ये नहीं कह सकदा कि मैं किथे जाना है या मैं पिछे किथो आया हाँ। तो मैं इस वास्ते बलिहार जाना है कि मेरा उसने मैनू ओ परमात्मा दा मिलाप करा दिता। अगर गुरु ना मिलदा तो परमात्मा मेरे वास्ते अंदर हुंदा होया भी मैं ओ तो विछड़िया सी, दूर सी। बेशक धरती विच हर जगह पानी है, लेकिन प्यास किन्ना दी बुझदी है जो कुआ खोद लेंदे है या कोई नलके वगैरह दा इंतजाम कर लेंदे है, उन्हां दी प्यास जांदी है। इसे तरह परमात्मा साडे अंदर है, चोर अंदर भी है, डाकू अंदर भी है, साधु संता महात्मा अंदर भी है। वो किसे नू हदायत नहीं करदा गा, लेकिन गुरु जो है उस संग दे जरिए सानू हदायत करदा है। फिर जो जुगती उस सिमर भजन दी दसदा है, अगर असी ईमानदारी ना उसका सिमरन करिए, अभ्यास करिए, तो साडा जिहड़ा अंदरला मार्ग है वो तो किताब की तरह खुल जाता है। फिर सानू नजर विच आउंदा है कि गुरु साडी हर जगह रखवाली करदा है, रहनमाई करदा है। वो करदा हुण वी है, इहदे विच कोई शक नहीं, लेकिन सानू पता नहीं गा कि साडी कोई रखवाली करदा है या साडी कोई रहनमाई करदा है, या गुरु साडे अंदरों की सानू साडे सवाल दा जवाब दिंदा है। असी अपनी सोचनी तो उहदे अगे रखदे हैं, अपनियां सुनाउण लगे पए हैं, लेकिन जो वह कहिंदा है वह असी सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे? कि साडी आत्मा संसार दे विच पहला सब तो यह आपका घर छड के आत्मा सचखंड, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है, यह सतवंशी है, आपका घर छड के तो दसवें द्वार विच आई, ये उन्हें आपका टिकाणा बना लिया। फिर भी इन्हें मन का साथ लिया, नीचे उतर के मन अगो आसा त्रिशना का बजा होया, उदू थले आले मंडलां विच आ गया, कारण मंडल, सूक्ष्म मंडल, और जिस मंडल दे विच अज आपां बैठे हैं जिहनूं स्थूल कहिंदे इहदे विच आ गया। ये इत्थे आके भी टिकदा नहीं गा, बाहर इहनूं ख्वाहिशां खिंची फिरदियां है, कदे अखां दी इंद्री खिंचदी है, सोहणे सोहणे रूप ते लै जांदी है, सोहणियां वस्तां ते लै जांदी है, कन्ना दी इंद्री जिहड़ी है वह अच्छे अच्छे राग ते लै जांदी है। इस तरह बाकी इंद्रियां दा हाल है। तो संत महात्मा सानू दसदे है प्यार दे नाल कि जदों असी साडे मन नूं सिमरन दी आदत तां शुरू तों ही पई हुई है, कोई अज दी नवीं आदत नहीं गी, शुरू तों ही सानू सिमरन दी आदत पई है। किसी ना किसी चीज का अस गुणावन अपने अंदर लगे ही रहने हैं, करी जाने हैं,
तो किसी चीज की सोचने वास्ते तो सानू पहला तो आदत है और तस्वीर बनाने की भी पहला तो आदत बनी हुई है कि जो असी सोचते हैं उसकी तस्वीर असी आप दी अखां अगे बनाने हैं। उन्ना ही सिमरन दे उन्ना ही तस्वीरां दे ध्यान विच असी इतने मगन हो जाने हैं, इतने मस्त हो जाने हैं कि उन्ना दा ही रूप होके बैठ जाने हैं। जागदे हैं तां भी उही तस्वीरां बना रहे हैं, उही सोच रहे हैं। जे सुते हैं तो उन्ना दे ही उल्ट पुल्ट होके सुपने आते हैं। तो सुपनों दे विच भी असी सारी रात पे पे मारो वड्डो टुको भी कहानी बनी पई हुंदी है, भज दौड़ लगी पई हुंदी है। तो ऐसे बंदियां नूं गुरु नानक ने कहा कि सुपने सुख ना ताहा है। ऐसे लोगों नूं जागदन तां सुख या शांति की होनी सी, सुत्या पियां नूं भी सुख या शांति नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी? कि वह तस्वीरां बना बना के लोगों नूं याद कर करके आप का जो अंदर है उस नूं भर लेंदे है। तो संत महात्मा सानू प्यार दे नाल, हर महात्मा का यही ही असूल है, उन्होंने पता साड़ी कमजोरी का, वो सानू एक अपना कमाया होया सिमरन देंगे। वो कहते देखो भाई जो तुम ये सिमरन करोगे अखा के पिछे नौ द्वार खाली करके तीसरे तिल दे विच अपनी बैठक बना लोगे और गुरु का ध्यान नूं इत्थे टिकाओगे, गुरु का स्वरूप जब थोड़े इस जगह से टिकन लग जाएगा। क्योंकि सिमरन दी फिर सानू जब भी असी तुरांगे बैठांगे चलांगे तो सिमरन जिहड़ा है अपने आप ही ऐटोमैटिकली ही साडे अंदर गुरुआं दा चलदा रहेगा। तस्वीर किहदी बनावांगे जिन्हां ने सानू सिमरन दिता है। तो गुरु नानक ने कहा सी अकाल मूर्त है साध संतन की ठहरनी की ध्यान को। एक बड़ा जबरदस्त साधन है। जो साड़ी आत्मा इस जगह पर टिकना शुरू होती है, साडे अंदरों जो कुछ ही असी सोच रहे हैं वो कूड़ा क्रिकेट सारा दिन जो असी भर रहे हैं अंदर दुनिया की सोचा सोच सोच के, वो सारा बाहर हो जाता है। तो अंदर गुरु का प्यार जाग पैंदा है। जब तक सानू कोई बाहरों ठोकर नहीं लगदीगी संसार दे विच्चो, उन्ना चिर साडा मन कदे भी पलटा खा के अंदर सिमरन की तरफ ना लगे, ना ये पलटा खा के अंदर नूं जावे। चोट कोई ये नहीं कि लड़का गुजर गया, चोट लग गई, घरवारी साथ छड़ गई, चोट लग गई, या किसी कारोबार विच घाटा पै गया, सानू कोई चोट लग गई। नहीं प्यारियो, इहदे विच तां से पहली भी शांति गुम कर लैंदे हैं, रोना पिटना चिल्लाउणा शुरू करते हैं, एक जगह तो दूसरी जगह जाके अरदासां करते हैं कि साडा किवें ना किवें घाटा पूरा होवे, ते साडे नाल ऐसा क्यों होया है। असली चोट उस फरिश्ते उस मुरशद तो लगती है जो शब्द रूप खुद ही आपके मुरशद की चोट में कैल होया हुंदा है। वो चोट की हुंदी है? शब्द की चोट। कबीर साहब ने कहा सी कैल ना जीए लागी शब्द की सेर। ओदी बेदन ओही जानदा है, वो ना तो पीड़ा बाहर दिखाने वाली है, ना वो जख्मी बाहर दिखाने वाला है। जब तक सानू ऐसा मुरशद जिदे अंदर गुरु का प्यार जागया होवे, गुरु रूप होया होवे ना मिले, उन्ना चिकर साडे दिल नू किस तरह चोट लगती है। असी तां चोट वो समझते हैं कोई कारोबार च घाटा पै गया या साथी साथ छड़ गया, दिन रात रोने हैं। वो कादे वास्ते? वो तो असी आपदे धंधियां वास्ते गरजां वास्ते रोने हैं। गुरु नानक ने कहा सी कि असली चोट किन्ना नूं लगदी जो बिरे चोट मरन, जिन्हां दे दिलां अंदर ये प्यार जाग पैंदा है कि मेरी कोई वस्तु गुम है,
वो मैनू मिलती क्यों नहीं। गुरु रामदास ने आपकी पीड़ बयान की, अंतर प्रीत उठी प्रभ केरी। सुन गुरु वचन मन तीर लगैया, वो कहते मेरे दिल अंदर उस परमात्मा की पीड़ उठी, दर्द उठी, तो मैं उन्हों हर जगह ढूंढिया। हर एक महात्मा का जो जीवन है वो इसे ते निर्भर होता है कि वह आपकी जिंदगी का एक पल भी बेअर्थ नहीं बोलते गए। तो जिस मकसद को लेके संसार में आते हैं उसे अखां दे अगे रख के फिरते हैं। बेशक वह सानू दुनिया का कारोबार करते नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने जिस चीज की उन्होंने थोड़ होंगी है, पाल होंगी है, वह माता के पेट अंदर ही उन्होंने जब बेसुरत है उदों भी वह दर्द जी है वह चुभती रही है। तो बाहर जिमें जिमें उम्र वडेरी होंगी है उन्होंने अंदर वह दर्द होर ज्यादा हो जाती है। तो ऐसिया आत्मा उस प्रभु को हर जगह खोजदिया हैं। उन्हां वास्ते जंगल बियाबान भी एक मस्जिद गुरुद्वारा जो समाजिक साडे रीति रिवाज के स्थान बने हैं वह भी उन्हां वास्ते एक ही होंगे है, वह सारिया ही जाते हैं। उन्होंने अंदर साडे लोगों की तरह, दुनियादारा की समाजिक लोगों की तरह कोई भी सौकन साड़ा नहीं हुंदा गा कि मैं मंदिर च नहीं जाना, मैं गुरुद्वारे च नहीं जाना गा, मैं हिंदू है या मैं मुसलमान है। मैं अपनी बचपने की बात दसदा हुंदा है कि साडा नौकर एक मुसलमान सी और असी बच्चे खेल रहे सीगे। वो कहण लग्या देखो बई थोड़े घर के गुस्से होंगे कि मेरा पानी ना तुसी पी लो। हम बच्चों आदत है जिधरों हटाइए उस पास लगते हैं। दिल दे विच ख्याल आया कि मुसलमानों का पानी पता नहीं कहे जाए मोटा होएगा या ये विच की कुछ भरिया है या कितना कौड़ा है, तो उसनु जेड़ा भी बच्चा पी दे ओ, मैं तो इतने संघ नू मिले और नाले उसनु थू थू करके थुके। उस महमदी उस मुसलमान का ना सी, उन्हें घरे आके दसिया। फिर तुहानू पता ही है जो कुछ समाजिक लोगों के दिलों अंदर ख्याल उठते हैं कि पिटे गए है। वह जमाने के अंदर आम तौर पर गंगा जली सानू पंडितों के घरों मिलती सी या जिन्हों का कोई बजुर्ग गुजर जाता सीगा वो गंगा से जाते सीगे, वो गंगा जली लियांदे सीगे, उन्हां दे घरों लभदी सी। गंगा जली पियाओ ते शुद्ध है, फिर उन्हें चौंके से चलना है। लेकिन जिहड़ियां ऐसियां आत्मा हुंदियां हन वो इन्हां तों उपर उठियां हुंदियां हन, उन्हां नूं घर दे कूरदे है, मारदे भी है कि तुसीं ऐसा क्यों कीता, लेकिन उन्हां दे वस दी खेड़ नहीं हुंदी। सो प्यारिओ, वो परमात्मा जदों रहमत करदा है, अपनी दया करदा है, मेहर करदा है, उस वेले वो की करदा है, साडे अंदर आपदी सच्ची तड़फ पैदा करदा है। वो तड़फ नूं पूरा करन वास्ते असी फिर उसकी खोज करते हैं। जैसा गुरु रामदास ने कहा कि मेरे दिल में जो तड़प उठी मैं उन्हें हर एक जगह हर समाज के खोजिया। तो सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, तो कहिंदा जब मैं गुरु अमरदेव जी के चरणों में गया तो मेरे दिल अंदर उन्होंने जो बचन से वह तीर की तरह कहो कर गया। बई उत्थे होर भी बहुत बैठे सीगे, बचन तो सारे वास्ते हुंदा है पर बड़ी एक आत्मा ऐसिया है कि जिन्हों के वह बचन जोड़ा है वह तीर की तरह खुभदा है। मैं कल बुले शाह की स्टोरी हिस्ट्री दसी सी कि किस तरह जब बुले शाह अनायत शाह के पास गया जब उसने देखा कि सच्चा शिष्य है तो अनायत शाह ने अपना आप वो अगे खोल के रख दिता।
जो उन्हां दे नां दा महात्म सीगा वो पूरा कर दिता। अनायत दा मतलब अरबी दे अंदर दया करना, मेहर करना है। तो उन्होंने उससे दया कर दी, मेहर कर दी। जैसा कि साढ़े गुरुदेव जिन्हों की असि याद विच बैठे हैं, उन्हों का नाम सावन सी। उन्होंने भी आपके नाम का जो महात्म सी वह संसार विच आके पूरा किया कि नाम की बारिश जिवें सावन के महीने बारिश खुल के हुंदी है, उन्होंने इस तरह खुले दिल नाम की बारिश तपते हिरदियां के उत्ते कीती। इस तरह उन्हों का बेटा सी जो परमात्मा कृपाल, कृपाल का मतलब कृपा करना, उन्हें भी आपके नाम का महात्म पूरा किया जो उन्होंने दर से आया, उन्होंने खुले दिल ना उस पर कृपा की। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। उन्होंने भी आपके नाम का महात्म पूरा कर दिखाया, कृपा की, ये उन्होंने दया सी। तो अज थोड़े अगे बुले शाह की छोटी जी काफी रखी जाती है, सुन वाली है। सारे संत महात्मा सानू दसदे आए है कोई कोई वक्त सी कि संसार के अंदर ना कोई जीनी सी, ना आसमान सी, ना सूर्य सन, ना चंद्रमा सन, ना धरती सी, ना आकाश सी, ना कोई पौन सी, ना पानी सी, ना कोई उपत, ना खपत दे साधन सन, ना दिन सी, ना रात सी, ना कोई धर्म स्थान सी, ना धर्म स्थान दे अज दी तरह कोई झगड़े झेड़े सन। वो परमात्मा खुद ही विराजमान सी, वो अपनी कीमत आपे ही पा रहा सीगा, तो अपने आप विच ही विश्वास सी। मौज उठी एक है कवाओ तिसे होए लख दरियाओ, वो मौज उठी तो बिना थम्मा तो असमान पैदा किया, समुंदर, धरती, आकाश, सितारे, उपत खपत दे साधन सब कुछ उसने पैदा किए। तो महात्मा सानू दसदे है कि जब परमात्मा रचना करन लग्या उस वेले जेड़ियां आत्मा उसके भंडार विच सन, सभी आत्मा उसके भंडार विच सन, तो कोई भी आत्मा इस संसार विच आउण वास्ते तैयार नहीं सन। तुसी अनुराग सागर नूं, कबीर साहब नूं पढ़ के देखो, तसल्ली करो कि किस तरह आत्मा संसार विच आके खुश नहीं सन। हर आत्मा उस मस्ती नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं सन। वो आनंद जो परमात्मा दे दरबार विच उहनां नूं मिल रहा सीगा उहनूं कौन छड्डणा चाहुंदा सीगा। तो उस परमात्मा ने सब आत्मा नूं उपदेश कीता, समझाया कि बेटा इस ताकत ने जिस दे साथ मैं तुहानूं भेजदा हां, इन्हें मेरी बड़ी तपस्या कीती, भगती कीती, और मैं इहदे प्रेम विच प्यार विच वचन दे चुकिया हां, और तुसी जाओ उस मेरे वचन नूं पूरा करो, ये थानूं किसे हद तक काफी सहूलतां भी देवेगा, बाग बगीचे लाएगा, कई खंड ब्रह्मंड भी ये रचेगा जिन्हां दे विच स्वर्ग वकुंठ भी होणगे। तो मैं थोड़े अंदर खुद ही आऊंगा,
जिन्ना देर तक तड़प हुई तो मैं उन्होंने बाहों फड़ के लाऊंगा। यही शब्द गुरु अर्जन देव ने भी लिखा है, जो परमात्मा कृपाल ने मेरी पहली मुलाकात वेले मेरे आश्रम के अंदर सत्संग किया सीगा कि जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती घर आओ। के प्यारे हो, जिस परमात्मा ने तुहानू संसार विच भेजा है उही तुहानू साडी मार्फत बुला रहा है। असी दुनिया के किस्से कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, अज तक परमात्मा ने सीधी सहायता या मिलाप किसे नूं मौका नहीं दिता गा। तो कहानियां संसार के इतिहास अंदर गुरु और शिष्य दी ही होंदियां हन, वह भी उस वक्त दियां जब वह संसार विच मौजूद सन। उस तो बाद इतिहास बन जाता है। तो इस वास्ते आप यही संदेश परमात्मा कृपाल ने दिता कि जिस परमात्मा ने थानू भेजे है वह साड़ी मार्फत बुलाउंदा है। ये हुण आपको अपनी समझ हुंदी है, आपो अपने भाग है, आपो अपना बर्तन है। तुम घर आवो मेरे मीत के, आओ प्यारे हो, हुण तुसी मेरे घरे आ जाओ। गुरु का घर केड़ा है? वह संसार का घर नहीं गा, ये तो कई बारी असी बनाए कई बारी छड़े। उहदा घर सचखंड है, मकामे हक है, जिथों कोई आया है। तो बुले शाह उस वक्त का नजारा साढ़े सामने पेश कर दे है, गौर न सुन वाला है। हाँ भाई, बुले शाह दिया काफिया काफी नंबर 132 पन्ना 123। मैं गाले ओ थे दी कर पर गल कर दावी डर दा। मैं गल ओ थे दी कर दा पर गल कर दावी डर दा। संत महात्मा जो संसार विच आउंदे है, अगर वो सच नहीं बोल दे तो वो ताकत जो अंदर प्रगट है वो खुश नहीं होंगी। जे सच बोल दे ते असी लोग सुनने वास्ते तैयार नहीं होंगे। जब महात्मा सच कहते हैं सानू विशे बकारां दे विच लिबड़े हुए जीवां नूं कौड़ा लगता है। किसे महात्मा का सिर पाड़ दिता, किसे दे दंद तोड़ दिते, किसे नू कराइया कह दिता, बुरा भला कह दिता। तो बुले शाह कहिंदा मैं उस थां दी उस मंडल की बात करदा हां जिथों के आत्मा शुरू विचों उतर के आई, पर गल करदा डरदा भी है कि पता नहीं कोई सुनेगा इस तूती की नगारखाने या नहीं सुनेगा। तो जिसने भी आके सच का होका दिता उसनू दुनियादार लोगों ने माफ नहीं किया। कबीर साहब ने सच का होका दिता, उसकी गठड़ी बन के हाथी अगे रख दिता, हाथी नू मस्त शराब ला दी। तो कबीर साहब अपने बाणी से लिखते हैं, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोत कुंचर को दीना। कहते भी की अपराध किया, हाथी दे अगे पंड बन के रख दिता, कुंचर पोत लै लै निम छकारा, बूझा नहीं काजी अंधेरा।
वो पवित्र आत्मा सी उसके दिल में उसके वास्ते हाथी च भी दया आई कि वह भी ना मारे। तीन दफा उस न्या करने वाले काजी ने उस पिछों तोरिया लेकिन वह भी फिर भी समझ ना आए क्योंकि जिन्ना चिर संत संसार विच हुंदे है उन्ना चिर सच्चाई चलती है क्योंकि संत महात्मा ना तो कोई समाज बनाते है ना पहली बली तोड़ते हैं। सारिया समाजा उन्हों का प्यार हुंदा है सबनों अपना घर समझते अपनिया ही समझते हैं। और जब वो संत संसार विचों चले जाते हैं उन्होंने विचों ही लोग उन्हां दी बाणियां दे गलत अर्थ कर लेने हैं फिर अपने पेट वास्ते ही प्रचार करन लग जाने हैं जिन्हां नूं संत आके पेट प्रचारक कहिंदे है। पंडित होए मौलवी होए भाई होए पादरी होए सर्व इक्को ही श्रेणी दे हुंदे हैं इक्को ही श्रेणी विच आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार नाल कहा पंडित भेख पेट दे मारे दे संतन पर कर दे तान। वो ताना कसदे है कि वेखो जो रीति रिवाज असी करदे आ इह क्यों नहीं करदे। हितकर संत उन्हें समझांदे जे मानी नहीं माने आन संत उन्हां ते भी दया करदे है समझांदे आ प्यार नाल भी देखो जो तुसी रोज पढ़दे हो उहदे विच की लिखिया होया है जो असी कहने ओ ही लिखिया है। उनके चाह मान और धन की परमार्थ के खाली जान उन्होंने परमार्थ ना कोई गर्ज नहीं उन्होंने तो जिथे मान वड्याई मिलती होवे धन पदार्थ के गफे लगते हो उन्होंने तो उथे जाना है। बुले शाह ने कहा सी हाफज हिफज कर करन तकबर करन मुला वड्याई हू सावण माह दे बदलां वांगू फिरन किताबां च आई हू जिथे देखण चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सबाई हू ओ दोनी जहानी मुठे बाहू जिन्ना खादी वेच कमाई हू। गुरु नानक ने भी किया खेती जिनकी उजड़ी खलवाड़े क्या थाओ फिर कितना का जीविया जो लिख लिख वेचे नाओ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਿਉਣ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮਤ ਜਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੇ ਝਗੜਾ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੇਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਈਸਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲੇਵਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੈ।
ना अगे जाके ही किसी का लेवल देखना है। कबीर साहब ने कहा, डूबोंगे रे बापरे बहु लोग उनकी कान, तब कुल किसका लाज सी जब चक तरियो मसान। जब मौत आई मसाणा चक के तर लिया, भरावा किस दिया जातां पाते थे अगे सड़ जानिया हन, किस दिया मिट्टी विच दबिया रह जानिया हन। तो अमला उपर होण वेड़े अगे तो अमल देखने है, खड़ी रहने दियां जातां उत्थे जात पात किसी ने नहीं पुछनी भी तू कौन है। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है, मैं तो भाई थानू जो संदेश मैनू दिता है परमात्मा ने उस कर दा सचखंड दा ही थानू संदेश दिना है जी। मैं गल ओथे दी करदा पर गल करदा वी डरदा नाल रूहां दे लारा लाया तुसी चलो मैं नाले आया। कह लगे पहला तो आत्मा नु लारा लाया, तारस दिती कि तुसी मेरा वचन पूरा करो, मैं प्यार च वचन कर चुका है तुसी जाओ, मैं तुहानू खुद ही लैण वास्ते आऊंगा। फिर ये भी कहा कि बड़े काल दे बहकाए हुए जीव होंगे, जिथे मेरी चर्चा हुंदी होएगी उत्थे बैठ भी सकणगे नहीं, वो सुन भी सकणगे नहीं। यही कारण हुंदी है जिथे संतां दे सत्संगी आपस में बात करते हैं तो बहुत सारे आदमी उन्हां दे नाल नोक झोक करते हैं, सुनन नूं तैयार नहीं हुंदे गे। हाँ भाई असीं जाणदे हैं, नहीं प्यारे जाणदे की हैं, जे जाणदे हुंदे तां असीं फायदा उठाउंदे कि गुरु नानक नूं करिया कहिंदे उन्हां तों फायदा उठाउंदे। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे हैं नाल रूहां दे लारा लाया तुसी चलो मैं नाल, तुसी चलो मैं भी तुहाडे मगरे ही आउणा है। हां नाल रूहां दे लारा लाया तुसी चलो मैं नाले आया, एथे परदा चा बनाया मैं परम पुलाया फिर दाहां पर गल कर दावी डर दाहां। जब संसार विच आया तो पर्दा पा लिया, की पर्दा पाया, ताकत ओही शब्द दी है नाम दी है, कदे वह गुरु नानक बन के दस गुरु बन के आ जाते हैं, कदे कबीर कदे रविदास बन के आ जाता है, कदे समस्त ब्रेज बन के आ जाता है, कदे वह सावन बन के आ जाता है, कदे किसे रूप विच आउंदा है, कदे किसे विच आउंदा है। हुण इत्थे आके सवाल उठता है कि असी ये कहने हैं कि असी बंदे दे अगे जाके नमस्कार करिए, वो भी साढ़े वर्गा ही है, हाथ कान नक वगैरह साढ़े जैसे ही है, नहीं बड़ा फर्क हुंदा है। मैं दसदा हुंदा है, एक अनपढ़ है एक पढ़िया लिखिया सज्जन है, उन्हां दे विच क्लासिफिकेशन लियाकत का बड़ा फर्क हुंदा है। इसे तरह एक मुलजम है एक जज है, जज नूं अख्तियार की है भाई सजा सुनाउंदा है, वो जो चाहे वो उसनु सुना सकता है, बरी भी कर सकता है, लेकिन मुलजम की है हाथ कड़ियां लगियां है ते वो खड़ा सुन रहा हुंदा है, वो सजा भोगण वास्ते तैयार हुंदा है। किन्ना फर्क है तो देखण च दोने इंसान। एक बंदा बंदा ही नहीं बनता, बंदे आले गुण ही नहीं गे तो एक भगवान बनता है।
तो मनमुख और गुरमुख देखण च इको जी है पर रस्ता दोनों का वखो वखरा है। एक परमात्मा ना जुड़िया है, एक विषय बकारा ना जुड़िया है, शराबा कबाबा ना जुड़िया है। जिवें पानी और तेल का रस्ता है, पानी और तेल इकट्ठे नहीं रहिंदे। इसी तरह मनमुख और गुरमुख इकट्ठे नहीं चल सकते गे, दोनों का रस्ता अलग अलग है। तो जो गुरमुख है वह आत्मा नूं संसार दे विचों कढ़न वास्ते आउंदा है, वह परमात्मा ने जोड़न वास्ते आउंदा है। तो मनमुख उन्हां नूं तोड़दा है, बहकाउंदा फिरदा है, उन्हां दा इतना फर्क हुंदा है। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है, इत्थे आके पर्दा पा लिया कि पर्दा है कि इंसानां विच इंसान बन के आ गया, यही साडे अंदर पर्दा है। असीं कहिंदे हां कि साडे जैसा ही है, इहनूं असीं क्यों मन्नीए, या साडी जात उच्ची है दी नीवी है। लेकिन जिन्हां दे समझ विच आ जांदा है, बुल्ले ने कहा कि मौला आदमी बनाया, वो परमात्मा आदमी दे रूप विच आया। गुरु अर्जन देव ने अपने गुरुदेव नूं जद अंदर देखिया, प्रगट कीता, तो यही कहा हर जीव नाम पढ़ो रामदास। वो परमात्मा का नाम ही एक हुण रामदास पै गया है। तुसी नवे शब्दां च पढ़ते हो रब बंदा बन के आया, तो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है बुल्ले शाह कि इत्थे आके देख कैसा पर्दा पाया है, जीवां नूं हैरान कर रख्या है। जी नाल हकम दे खेल साडी जे मैं मीरी ता मैं फाडी तरी तराई पूंजी थ्वाडी मैं अगला लेखा परदा पर गल कर दावी डरदा। कहन लगे मेरी तकड़े नाल वाह पई हुई है, जे मैं जिद्दा है तद भी मैं हारिया साबित होना है, क्योंकि इंसान का जामा सारा नहीं मिलता है पर बहुत थोड़े है जेडे इस जामे जाके उस प्रभु नाल मिलाप करते हैं, नहीं तो जो मौका परमात्मा ने दिता है उसनों असीं खो के चले जाने हैं, हार के चले जाने हैं। अगे दे मुख दे पूंजी मूरख चुंज लाया मगर चोरां दे पैड़ा लाया। हुण आप प्यार ना कहिंदे है कि सानू भेज दिता पर साडे अंदर की कुछ काल ने रख दिता है, पंज कर्म इंद्रियां पंज ज्ञान इंद्रियां हैं। सानू पता है कि साडी पूंजी ये पंजे दिशे बकार लुट रहे है, काम सानू लुट रहा है, क्रोध सानू लुट रहा है, लोभ सानू लुट रहा है। असी कहने शायद असी इन्हां नूं लुट रहे हैं, आनंद माण रहे हैं। नहीं प्यारे, असी इन्हां चों की आनंद माणदे हैं, की इन्हां नूं लुट रहे हैं, दिन रात सानू लुट रहे हैं। पहला असी इन्हां दे अगे हार जाने हैं, फिर असी पछताउने हैं। काम भोगां च पै के असी अपनी जिंदगी नूं तबाह कर लैंदे हैं, मगरों पछताउंदे हैं कि फिर नहीं ऐसा करांगे, फिर बेड़ा हाथ आउंदा है। इसे तरह क्रोध इंद्री दे वस विच होके बुरे कर्म करते हैं, कतलोगारत करते हैं, जेलां च जाके पछताउंदे हैं, फिर की हाथ आउंदा है। इसे तरह लोभ दी हालत है, लोभी आदमी किसी का मित्र ही नहीं।
तो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे हैं, मगरों असीं पछताउंदे हैं कि मैं ऐसा कर्म क्यों किया। पता हुंदा होया फिर कबीर साहब कहंदे हैं कि जाग मुसाफिर जाग घने दिन सो लिया रे, जागो। असीं कहांगे असीं जागदे हैं, नहीं, असीं दुनिया की तरफों जागदे हैं, परमात्मा की तरफों सोए हुए हैं। जी दे पूंजी मूर्ख चुंझ लाया मगर चोरां दे पैड़ा लाया, चोरां दी मैं पैड़ ले आया हर सब ताड़े तड़दा हां, पर गल कर दावी डरदा हां। किसे महात्मा ने इन्हां नूं चोर कह दिता, किसे ने डाकू कह दिता, किसे ने लटेरे कह दिता है। तो कहन लगे मैं जानदा बुझदा फिर इन्हां अगे बेबस हो जाना है, पर फिर भी मैं गल करदा, बड़ा ही डरदा है जो कुछ मैं जीवन समझाना है। जी ना नाल मेरे वह रज दाए ना मिन्नत कीती सज दाए, जा मुड़ बैठा ता पज दाए मुड़ मिन्नत जारी कर दा, पर गल कर दावी डर दा। थोड़ा प्यार ना कहंदे है कि ना ये मेरे ना खुश है, अपने मुर्शिद दी तरफ इशारा करके कहंदे है कि जब असी बुरियाई करदे हैं उस वेले ताकत साडे अंदर बैठी है, वो देखदा है मुर्शिद वो किस तरह खुश होवे। ना वो खुश ना मैं ही खुश, वो दूर जांदा है, मैं मिन्नतां करदा हाँ पर गल करदा भी मैं डरदा हाँ कि पता नहीं वो मुर्शिद मेरे ते कद खुश होएगा। असीं कहने हैं कि सानू कड़ा कोई देखता है, नहीं, महाराज सावन कहंदे हुंदे सीगे कि देखो भी प्यारे हो ये दिल चो ख्याल कर दो कि सानू कोई देखता नहीं, साडे सज्जे पासे जद गुरु नाम दिंदा वो बैठता है, खब्बे पासे काल की ताकत है। जब कोई जीव बुरियाई करता है वो काल कहंदा देख भई इस नूं तां नाम दिता है कि ये नाम दे काबल सी। एक एक रूह पिछे महाराज जी कहंदे हुंदे सी पूरा पूरा वो झगड़दा है, लेखा मंगदा है, लेकिन गुरु फिर भी दयावान हुंदा है, वो कहंदा नहीं मैं इहदी जिंदगी बनाऊंगा। अगर किसी दे बाप नूं कोई आदमी लांभा देन आवे, गलती तो बच्चे दी है, तुसी देख लो की वो पिता खुश होएगा। पर फिर भी वो कहंदा नहीं मैं इस नूं झिड़कदा फिर कल नूं शरारत नहीं करेगा। लेकिन असी सोचदे कि साडम कड़ा कोई देखदा है, असी तो जो मर्जी करते फिरते हैं, नहीं वो साडे हर हरकत नूं देखदा है, वो साडे अंदर बैठा है, उन्हूं किसे अगवाई दी सहजत दी लोड़ नहीं पैंदी। हां की सुख पाया मैं आण एथे ना मंजल ना डेरे जेथे। हुण बोले शाह आप दे वो परमात्मा अगे बेनती करदा है, गुरुदेव अगे
कि तू मैनू भेज दिता, मैं इथे आके केड़ा सुख पाया है, ना इथे मेरी मंजिली है कि मेरा घर है भी सचखंड, ना मैं इथे सदा रह ही सकदा है कि मेरे इथे डेरे लाए हुए है। तैं भेज दिता, दस मैं इथे की करा। ते आपदे मुर्शिद दे नाल प्यार विच गिला करदा है कि मेरी की हालत है, मेरी की दुर्दशा है, साडा की हालत है कि आसा पर्वत जेडियां मौत नावा हेठ, मौत आपकी प्लानिंग कर दी है, असि पर्वत जिडिया जिडिया आसा बनाई बैठे हैं। महाराज जी कहंदे हुंदे सीगे कि ओ परमात्मा गुरुदेव किस तरह आउंदा है, जिस तरह किसी दे बच्चे नू खाना बदोश उठा के ले जांदे है, और पिता उसका जांदा है खाना बदोशां दी बस्ती दे अंदर, ओ बच्चा नाल आउण वास्ते की तैयार सी, ओदी गल सुनण वास्ते भी तैयार नहीं हुंदा गा, फिर भी उन्हां दे अंदर ओह उन्हां दा भेस तार के रहना शुरू करदा है। उसे कपड़े पाउंदा है, उसका खाना खाना खांदा है, ओह जी किरिया खाना बदोशां वाली करदा है। लेकिन जो रोज भी किसी नाल सोहबत हो जावे, ओह रोज दा प्यार हो जांदा है, ओदियां मिठियां प्यारियां गल्लां सुनण लग जांदा है। हुण पिता दा जिस जिस मतबल नूं जांदा है, उन्हें तो ओही आपदा करना है। एक दिन पिता कहिंदा है कि देख बेटा, तेरा घर बहुत चंगा है, तू तो बड़े अच्छे घर दे रहण वाला है, तेरी बड़ी जायदाद है, तू इत्थे खाना बदोशां विच क्यों आया, ये तो तेनूं ऊं उठा के ले आए है। आखिर क्योंकि उहदे उत्ते रोज भरोसा करन लग गया सीगा, उहदे अंदर भी हुकम वतनी जाग पैंदी है, बच्चा नाल तैयार हो जाता है। तो खाना बदोश केड़ी जगह है, वो असी ये साड़ी वस्ती है, ये मंडल है जिदे विच असी बैठे हैं, अज इत्थे डेरा कल नूं पता नहीं कित्थे जाना है। और पता नहीं किन्ने जामे तो पहला आए हैं, किन्ने घर असी वसाए है। तो आप कहन लगे भी, लेकिन पिता फिर भी चाहता है, चल मैं तेन तेरे घरे ले चला। वो परमात्मा गुरु का रूप धार के वो साडे विच आके खाना बदोशन की बस्ती च आके रहिंदा है, साडे वर्गा खाना खांदा है, साडे वर्गे कपड़े पहनदा है, साडे तरह ही वो बोलदा है, रोज वो मिठियां प्यारियां आपकी सोबत विच सद के सानू गल्लां सुनाउंदा है कि प्यारे बच्चो, ये घर तुहाडा घर नहीं, ये देश तुहाडा देश नहीं, ये कौमां तुहाडियां कौमां नहीं, तुहाडी कौम ओही है जो परमात्मा दी है, तुहाडा घर सचखंड है, तुसी उस तो विछड़ के आए हो। तो वह साडे सानू खाना बदोशां दी वस्ती चों कढ़न वास्ते आउंदे है। हाँ, की सुख पाया मैं आण इत्थे, ना मंजल ना डेरे जिथे, कंटा कूच सुनावा के थे, नित ओठ कचावे करदा, पर गल करदावी डरदा। हुण कहण लगे मैं कित्थे घंटा वजा के सुनावा, मेरी तो इस तरह तैयारी है जिस तरह उठ दे उत्ते पाखड़ा कसिया हुंदा है। अज मां दे पेट विच है, जन्म लैण वेले फिर मौत आ जांदी है, पता नहीं
ਉਹ ਸਤਮਾਹੇ ਅਠਮਾਹੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡੇਪੇ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਖੜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਤੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੂਕ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਂਗੇ, ਪੰਛੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਪਖਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਖੜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਬੇ ਅੰਤ ਡੂੰਘਾਈ, ਦੋ ਜਗ ਬੀਚ ਨ ਲੱਗਦੀ ਕਾਈ, ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਕਾਈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰੀ ਤਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ।